हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन रूफ चैनल। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनवीएस के काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हुई है, पीजीटी एंड टीजीटी की भी। मैं आप लोगों को पीजीटी एंड टीजीटी हिंदी का सिलेबस प्रोवाइड करवा चुकी हूं और मैं आशा करती हूं कि आप लोगों की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और अगर नहीं भी चल रही है तो आप अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 5 से 8 सितंबर के बीच में हो जाएगा। तो आपके पास 1 मंथ बचा है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। और आज की जो ये वीडियो है, काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि 100 क्वेश्चन का सब्जेक्ट का एक मैं मॉडल टेस्ट पेपर बनाऊं। तो काफ़ी मेहनत लगती है एक्चुअली 100 क्वेश्चन ऑल सिलेबस से छाटने में। टॉपिक वाइज तो छाटना बहुत ईजी होता है, क्योंकि एक टॉपिक से आपको 20 क्वेश्चन बनाने या 30 क्वेश्चन बनाने तो ईजी होता है। लेकिन आपको 100 क्वेश्चन, वो भी आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर, एग्ज़ाम पैटर्न भी देखना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और क्वेश्चंस का लेवल भी देखना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं 100 क्वेश्चन लेके आई हूँ, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर, जिसमें पैसेज भी होगा, ग्रामर भी होगी, आपका लिटरेचर पोर्शन भी होगा, जो आपकी पीजीटी एंड टीजीटी जो भी हिंदी का दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा। सेकेंड थिंग, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का आ रहा है आपका पीजीटी एंड टीजीटी में, तो आपके लिए काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। तो चलिए हम ज़्यादा लेट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन हैं पीजीटी एंड टीजीटी के एग्जाम में, तो इनमें से ही कहीं ना कहीं कभी कभी क्वेश्चन रिपीट रहते हैं। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ देखिए, तो मूर्धन्य ध्वनि होती है ट्वर्ग। ट्वर्ग जो होता है ट ठ ढ ढ, तो वो पूरा मूर्धन्य ध्वनियों का ही होता है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा ट ठ ढ ढ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला किसे कहेंगे, डी आंसर हो जाएगा इसका, वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। तो छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, ए ऑप्शन हो जाएगा। अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन है, अपेक्षा पत्रिका के संपादक तेज सिंह है। और कल्पना पत्रिका के संपादक कौन थे, तो कल्पना पत्रिका पहले पूछी भी गई है, ये धर्मवीर भारती की है। ठीक है, छायापथ किस विधा की रचना है, छायापथ जो है ये गद काव्य की रचना है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ज्ञ जो वर्ण है ये ज और य, बी हो जाएगा इसका ऑप्शन, इन दो वर्णों के संयोग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, स्वर के बाद के आने वाली नासिक्य ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, इस सीरीज में मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ूंगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसमें मैं समझाऊंगी नहीं आप लोगों को, सिर्फ क्वेश्चंस बोलूंगी और आप लोगों को अपने क्वेश्चंस मैच करने हैं कि 100 में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, आपका स्कोर कितना हो रहा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया। देखिए, यूजीसी नेट में भी पूछा गया और एक बार ये केवीएस के 2013 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बी जो इसमें दिया गया है आंसर, ये जो है अंग्रेजी भाषा से हमने नहीं लिया है, ये सीधा जो है जो बी ऑप्शन जो दिया गया है, अर्ध विराम जिसको बोला जाता है, तो ये सीधा हिंदी भाषा से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कुंभन दास की पंक्ति है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए उन्होंने कब ये, किसके लिए ये पंक्तियां बोली थी। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। देखिए, अभी नवोदय 2013 का जो एग्जाम, सॉरी 19 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी मैचिंग वाले काफी क्वेश्चन रहे थे इस तरीके से, तो इसलिए मैंने ये कोशिश किया उसी पैटर्न पे बनाने की। तो इसका डी आंसर सही होगा, मोहन राकेश की है आखिरी चट्टान, और तूफानों के बीच जो कि बी इसमें है, ये तूफानों के बीच किसकी है, रांग्या राघव की है। हिमालय यात्रा किसकी है, काका कालेलकर की है। और विलायत यात्रा आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि किसकी है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 348, 348 जो है इसके हिंदी या संसद में कौन सी लैंग्वेज होगी, हिंदी में या अंग्रेजी में वहां पे कार्य होगा। ठीक है, खंडहर लुटेरा में कौन सा प्रत्यय। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन जो है नवोदय ने 2014 वाले एग्जाम में भी पूछा हुआ था, मैंने आप लोगों को पेपर प्रोवाइड करवाया हुआ है, तो आपको इस तरीके के प्रैक्टिस करते रहना है। तो खंडहर लुटेरा में कौन सा प्रत्यय, खंडहर, देखिए
प्रत्यय जो होते हैं जो शब्द के पीछे लगकर उनके जो है अर्थ को बदल देते हैं। जैसे अब खंड में आप हर जोड़िए तो खंडहर हो गया, ठीक है, तो इसमें हर प्रत्यय है। लुटेरा, ठीक है, लूट, लूट में क्या जुड़ा है, एरा जुड़ा है, तो इसलिए ये क्या बन गया, लुटेरा। तो लूट में एरा जुड़ने से लुटेरा प्रत्यय बना है। इस तरीके से आपको जोड़ के देखना और कोई अर्थ निकलना चाहिए। उपसर्ग या प्रत्यय में जब भी आप उपसर्ग जोड़ते हैं या प्रत्यय जोड़ते हैं उनमें ना किसी भी शब्द का एक अर्थ निकलना चाहिए, अर्थ अर्थहीन नहीं होना चाहिए वो शब्द, ये तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है, पांडव शब्द में कैसा है, तदित प्रत्यय है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अभिधा शब्द शक्ति में, देखिए अभिधा शब्द शक्ति ये जो है केवीएस और एनवीएस का फेवरेट क्वेश्चन रहता है यहाँ से। तो अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द जो है दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना हुआ होता है। तो इसके भी काफी उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है, ये अभी जून के एग्जाम में भी पूछा गया था, जो 13 जून को एग्जाम हुआ था। उद्देश्य, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है, फिर तीन भेद है, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। उद्देश्य जो है रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं सूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। देखिए अभी भी एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि कौन कौन सी भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, कौन सी नहीं है, ये सारी भाषाएं आपको पता होना चाहिए। तो जो है ये मैंने क्रैश कोर्स में आप लोगों को प्रोवाइड भी करवाया हुआ है, नवोदय का मैंने क्रैश कोर्स दिए हुए हैं 7 पार्ट्स, उसमें भी मैंने करवाया था और अभी 13 जून के एग्जाम में भी पूछा था। तो 2003 में 4 भाषाओं को शामिल किया गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कुटज निबंध के लेखक कौन है, कुटज काफी फेमस निबंध है इसके, हजारी प्रसाद द्विवेदी। परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है, परिशिष्ट जो उपन्यास है वो किस पर है, राजनीति पर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि परिशिष्ट किसका उपन्यास है। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है, तो शब्द अन्वय का संधि विच्छेद कौन सा है, अनु प्लस अ, तो इसमें इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है, तो वृद्धि स्वर संधि किस में है, महौषध, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, नरबक्षी जो नरबक्षी कौन से समास का उदाहरण है, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास दिया गया है, बी आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है, देखिए ये काफी बार पूछा गया है नीलोत्पलम, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, तो किसका उदाहरण है, ये कर्मधारय का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से इसमें मिलाना है आपको। देखिए आपको मानस के हंस, देखिए आपका किसका है, मानस के हंस जो है इसका सी आंसर दिया गया, मानस के हंस किसका है, अमृतलाल नागर का है। झूठा सच यशपाल का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का है। और मरी हुई मछली किसका है, राजकमल चौधरी का है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है, तो अशोक के फूल, कबीर, नया साहित्य, कुटज। नया साहित्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, तो बाकी सभी इनकी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। यर अलावा व्यंजनों को कहते हैं, यर अलावा किस में आते हैं, अंतस्थ व्यंजनों में आते हैं। सदियों का संताप किस कवि की कृति है, तो सदियों का संताप जो है ये किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। मनु भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतर किया है, तो उन्होंने किस कृति का किया स्वयं नाट्य रूपांतर, महाबोझ का, जो कि इनका एक उपन्यास है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका पैराग्राफ मैंने डाला है ताकि आपको पूरे एग्जाम पैटर्न पर आपकी प्रैक्टिस हो, और आपको देखिए मैं 100% कह रही हूँ इससे आपको फायदा मिलेगा। आपको मैं ये PDF दे दूंगी, आप पूरे पेपर को आराम से लगाइएगा। तो ये मैं क्वेश्चन मैं नहीं सोल्व करवाऊंगी, ये आपको खुद से करना है, पैराग्राफ पढ़ के वीडियो को पॉज करके आप पैराग्राफ को पढ़ना, फिर उसके क्वेश्चन छाटना, क्योंकि एग्जाम में भी इसी तरीके से आपका पैटर्न रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें, ठीक है, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें, ये रिपीट क्वेश्चन है। तो क्रोध के अनुभव पर डायरी पर लिखें, जो 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 हमें गुस्सा आता है जैसे, तो इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा डायरी से संबंधित है कि अगर हमें शांत रहना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो जब जब हमें क्रोध आया है और हमने गुस्से में कुछ नुकसान किया तो उनको हमें डायरी पे लिखना चाहिए, इससे हम आगे आने वाले समय में अपना ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है, देखिए ये बड़ा फेवरेट सा टॉपिक रहता है किसी भी एग्जाम में, कॉमन हिंदी में भी ये पूछ लिया जाता है,
तो सकर्मक क्रिया होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है। मैं आपको एक इसकी छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जब भी आपको सकर्मक क्रिया को बताना हो तो आप उसमें के बीच में को वर्ड जोड़ के देखिए। जैसे मैं कहती हूँ मंदाकिनी सोती है, तो मंदाकिनी के बाद मैं अगर लगाती हूँ मंदाकिनी को सोती है, तो इसका कोई अर्थ नहीं बना, तो ये कट जाएगा। अब मैं लिखती हूँ बालिका निबंध को लिख रही है, तो ये वाक्य सही हो सकता है। ठीक है, तो यही सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगर को वर्ड लगाने से जो है पूरा सेंटेंस बन जाता है तो वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, जैसे पक्षी आकाश को उड़ते हैं, तो आकाश को नहीं उड़ते, आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना, इसका बी आंसर हो जाएगा। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? देखिए, अब वही बात है, अगर हम जैसे मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, बिल्कुल सही है, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ये चीजें तुम्हारा तुम्हारे जी को ललचाती हैं, तो यहाँ पर भी सही हो जाएगा। लेकिन शाम को सोता है, ये नहीं होगा इसमें, तो सी हो जाएगा अकर्मक क्रिया। तो मैंने आपको एक छोटी सी पहचान बताई, अगर को वर्ड लगाने से आपका सेंटेंस बन जाता है तो वो सकर्मक का है, और अगर वो नहीं बनता तो वो अकर्मक का उदाहरण है। अब नाम धातु कहलाती है। नाम धातु क्या होती है? संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु कहलाती है। आत्मजयी के लेखक कौन है? आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण है, और ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है केवी का भी। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो काव्य ग्रंथ देखिए कौन सा नहीं है, वदेही वनवास, पथिक, रसक रंजन, भारत भारती। रसक रंजन जो है काव्य ग्रंथ नहीं है, तो आप मुझे बताइए रसक रंजन क्या है और किसकी कृति है? देवचरित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु है, तो देवचरित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु कौन क्या है? डी ऑप्शन हो जाएगा। नायक नायिका के विविध विलासों का इसमें विवरण वर्णन किया गया है। ठीक है, अष्टयाम किसकी रचना है? यहाँ से तीन क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, देव की है। ठीक है, और उसमें किसके बारे में इन्होंने वर्णन किया? नायक और नायिका के विविध विलासों का इन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अकाल में सारस किस कवि का कविता संग्रह है? केदारनाथ सिंह का है, काफी फेवरेट फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था, तो इसका आपको ईयर पता होना चाहिए, क्योंकि नवोदय जो रहता है काफी फैक्चुअल टाइप का पेपर रहता है, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे अभी 13 जून वाले एग्जाम में भारत भारती का प्रकाशन ईयर पूछ दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है। हिंदी का पहला समाचार पत्र जो फेमस है, सन 1826 ईस्वी में ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नोल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया है? तो उन्होंने किस भाषा में किया है? ब्रज भाषा में किया है, सी ऑप्शन हो जाएगा। पद्मावत में कुल सर्गो या खंडों की संख्या कितनी है? इसमें 57 है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? सूरकृत भ्रमर गीत को उन्होंने ध्वनि काव्य का उदाहरण माना है। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? तो झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? माता प्रसाद है, जो कि एक दलित लेखक हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? तो राजभाषा अधिनियम जो 1976 में, उसमें कुल 12 नियमों की चर्चा की गई है। इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा? इप्सित का विलोम होगा अनिप्सित, बी ऑप्शन हो जाएगा। निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होगा? इसमें निषिद्ध का हो जाएगा विहित। ठीक है, कभी कभी देखिए विलोम शब्द भी हम बड़े गलत कर देते हैं, या तो कॉमन पेपर में भी गलत कर देते हैं या हिंदी में भी, तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना है। निषिद्ध का क्या हो जाएगा? विहित हो जाएगा। हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? तो हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? किशोरीदास वाजपेयी को, डी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? देखिए, अंधा युग है इनकी, कनुप्रिया भी है, ठंडा लोहा भी है, हरी घास पर क्षणभर इनकी नहीं है। हरी घास पर क्षणभर किसकी है? आज्ञा की है, और काफी फेमस है, काफी बार पूछी भी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव चेतन का संबंध किससे है? तो देखिए, राघव चेतन जो है किससे संबंधित है? ये पद्मावत से है, और मुझे बताइए राघव चेतन किसका प्रतीक है? कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार क्या है? कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार है शैवागम। ठीक है, बिहारी सत्संग की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? उनकी कल्पना की समाहार शक्ति, उन्होंने इतना अच्छी कल्पना की है, तो इसलिए उनकी बिहारी सत्संग में उनको काफी प्रसिद्धि मिली है उनको। बूंदी नरेश महाराजा भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें कौन था? मतीराम। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रित कवि कौन रहे हैं? मतीराम, पूछ सकता है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास हुआ। सर्वनाम का रूपांतरण किस कारण से नहीं होता है? तो ये क्वेश्चन बड़ा पूछता है एनवीएस केवीएस में, तो आपको ध्यान रखना है। सर्वनाम का रूपांतरण
लिंग के कारण नहीं होता है, वचन, पुरुष या कारक इन सब के चीजों में लिंग के कारण सर्वनाम का रूपांतरण नहीं होता है। निम्नलिखित युग्मों में आपको असंगत युग्म बताना है कि कौन सा असंगत है। देखिए अफसोस जो है फारसी का वर्ड है, सही है। कैंची भी तुर्की का है, गमला पुर्तगाली है, कारतूस अंग्रेजी का नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कारतूस किसका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नामांकित नाटकों में से कौन सा उनका मौलिक नाटक नहीं है वरन अनुदित है। उनका मौलिक नाटक ना होकर वो कौन है, उनका अनुदित है, तो रत्नावली जो है उनका अनुदित नाटक है। इस तरह के क्वेश्चन भी काफी पूछ लिए जाते हैं। भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली, विश्वस्य, विष्मोस्तम, ये इनके मौलिक नाटक है। देखिए आप इनको सबसे अच्छा याद करने का तरीका एक है, या तो आप 12 इनके मौलिक नाटक है, या तो आप उन्हें याद कर लो, या तो आप अनुदित को। अनुदित क्योंकि काफी ज्यादा है इसलिए आप मौलिक नाटकों को अच्छे से रट लो, ठीक है। आप अगर हिंदी पढ़ रहे हैं, आपने भारतेंदु युग पढ़ा होगा, इसमें अपने मौलिक युग भी, मौलिक नाटक भी उनके पढ़े होंगे, तो आप उनमें से मौलिक नाटकों को या तो किसी पेज पे लिख के अपने मतलब रूम में कहीं चिपका दो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि इनके ये मौलिक नाटक, आपको छाटने में बहुत ही इजी रहेगा उससे, ठीक है। क्वेश्चन रहता है क्योंकि यहाँ से, माटी की मूर्ति शीर्षक से रेखा चित्र किस लेखक ने लिखा है, तो ये लिखा है रामवृक्ष बेनीपुर ने, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है, तो परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किन्होंने माना है, नामवर सिंह ने माना है। और अभी 13 जून को जो एग्जाम हुआ था, परिंदे कहानी का लेखक भी पूछा गया था, ठीक है। तो आपको वो पेपर भी आप सोल्व कर लीजिए। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, तो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, शलभ नहीं है, चंचरीक, शिलीमुख और मिलिंद, ये सभी क्या है, भ्रमर के पर्यायवाची शब्द हैं। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका हो जाएगा बी, ब्रह्मा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, तो अरविंद का पर्यायवाची यहाँ पे मिलिंद नहीं है, बाकी आप याद कर लीजिए, जैसे पंकज, जलज और अंबुज, ये सभी क्या है, अरविंद के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, पनही शब्द का तत्सम रूप होगा उपान, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी में देखिए आप लोग छाटिए इसको, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अनुक्रम, ठीक है। नेक्स्ट है, उसका कथन अतिशोक्ति मात्र था, तो इसमें आपको देखिए अतिशोक्ति देखना है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, अतिशोक्ति, ठीक है। तो इसमें इसको अतिशोक्ति में, इसमें आपको वर्तनी की शुद्धता बतानी है, तो इसमें क्या है, इसमें ये जो डी दिया गया है, अतिशोक्ति, श के पीछे जो है इसमें डंडा लगाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है, तो लगता नहीं है दिल मेरा की आत्मकथा की लेखिका कौन है, कृष्णा अग्निहोत्री। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है, रामविलास शर्मा, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है मैंने एग्जाम्स में। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, देखिए डोगरी, मैथिली, बोडो, ये तो मैंने अभी आपको बताया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है 2003 में शामिल किया गया था, भोजपुरी को अभी तक शामिल नहीं किया गया है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी किस संग्रह, किस कथा लेखिका का है, तो ये कहानी संग्रह किसका है, चित्रा मुद्गल का है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, ठीक है। विस्मय या आश्रय किस रस का स्थायी भाव है, ये अभी 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें मैचिंग के लिए दिया हुआ था क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है। तो विस्मय का कौन सा हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। देव किस जिले के थे, देव जो है इटावा जिले के थे और रीतिकालीन कवि थे। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द दिया गया है, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, मुमूर्षु जो है मरणासन अवस्था वाला के लिए दिया गया है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, तो देखिए पुस्तक इसमें क्या है, विशेष्य है, और पुरानी इसमें क्या है, विशेषण है, तो विशेषण के आगे जो लगते हैं, जो शब्द का यूज किया जाता है वो क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं, तो यहाँ पे जो विशेष्य शब्द है वो पुस्तक है और विशेषण जो है ये पुरानी है, ठीक है। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन सा है, देखिए मैंने अभी आपको बताया है, बड़ा, छोटा, नीला, जो विशेषता बताएगा, जैसे पिछला सेंटेंस अगर मैं बताऊं, यहाँ पे पुरानी, पुरानी क्या है, उसकी एक विशेषता बता रहा था, तो ये विशेषण के उदाहरण थे, और बड़ा, छोटा, नीला, ये क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने हमसे क्या पूछा है, विशेष्य पूछा है, तो जो किसी की विशेषता बताएंगे, तो यानी कि घर, विशेषता किसकी बता रहे हैं, घर की बता रहे हैं, छोटा आदमी, आदमी की, नीला वस्त्र, वस्त्र की, तो यानी कि घर, आदमी और वस्त्र,
ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, विशेष्य पद हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन रहते हैं एनवीएस के एग्जाम में ग्रामर के, अगर आपको विशेषण और विशेष्य अच्छे से कवर है तो आप कभी इस तरीके क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। समुद्री सांप में घातक है परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में क्या है। इस तरीके का क्वेश्चन भी अगर आप पेपर सोल्व किया होगा अपने प्रीवियस ईयर्स के, इस तरीके के क्वेश्चन भी रहते हैं नवोदय में। तो इसमें क्या है, तीन विशेषण हैं और दो विशेष्य हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए विशेषण कौन कौन से हैं और विशेष्य कौन कौन से हैं। हिंदी के भक्ति काल का, हिंदी के मध्य काल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये मान्यता किसकी है। तो ये भक्ति आंदोलन को स्वाभाविक विकास किसने बताया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है। ठीक है, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को का जो विकास है वो कैसे माना है। ठीक है, आपकी तैयारी को जज भी हो जाएगा कि आप लोग कितना पढ़ पा रहे हो, क्योंकि लगभग जुलाई जा चुका है, आज जो है 20 जुलाई हो गया है, तो आपने 10 दिन तो पढ़ा ही होगा, तो आपको पता होना चाहिए इस तरीके की चीजें। विरोधों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो ये जो प्रतिपादित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी ऑप्शन। किस सूफी की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर भरवे चौपाई छंद बंद का प्रयोग किया हुआ है, तो किस सूफी कवि ने दोहा चौपाई के स्थान पर भरवे चौपाई का किया है, नूर मोहम्मद ने, ए ऑप्शन हो जाएगा। भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है, उत्पत्तिवाद है इसमें, ए ऑप्शन हो जाएगा। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते उक्ति के लेखक कौन है, आचार्य दंडी, डी ऑप्शन हो जाएगा। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता कौन सी है, उर्दू की प्रमुखता, ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया और इस तरीके के नवोदय पूछ लेता है। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था, तो ग्रियर्सन ने किया था, ये बहुत रिपीट क्वेश्चन है, अभी भी पूछा गया था ये क्वेश्चन नेट वाले एग्जाम में, तो आपको गलत नहीं करना इस तरीके के क्वेश्चन को। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, मुक्तिबोध। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था, तो केशवदास को कहा था, बी ऑप्शन हो जाएगा। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई हैं, ये इनका क्या है एक आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, इन्होंने ये आलोचनात्मक एक निबंध लिखा है, तुलसीदास चंदन घिसे। ठीक है, आलोचनात्मक ग्रंथ है इनका। कुट्टी चातन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं, तो कुट्टी चातन नाम से लिखे हैं अज्ञ ने। उदयभान चरित के लेखक कौन है, उदयभान चरित के इंशाअल्लाह खां हैं, डी ऑप्शन। अमन का राग के लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह, ये आपको याद रखना है, अमन का राग पहले भी पूछी गई है शमशेर बहादुर सिंह की। कालक्रम अनुसार रचनाओं को आपको लगाना है, तो सबसे पहले देखिए मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, फिर चित्रावली, डी ऑप्शन हो जाएगा। लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है, तो लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है, ये यशपाल की है। नाटक जारी है किस विधा की रचना है, ये कविता है और लीलाधर झुंगड़ी की है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है, वोल्गा से गंगा किसकी है, राहुल संक्रातन की रचना है। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, तो देखिए अषाढ़ का एक दिन भी है इनकी, लहरों के राजहंस भी है, आधे अधूरे भी है, कन्यादान इनकी नहीं है। कन्यादान आप मुझे बताइए किसकी है, क्योंकि कन्यादान भी काफी पूछी गई है। उज्ज्वल नील मणि ग्रंथ किस का ग्रंथ है, तो ये किसका है, उज्ज्वल नील मणि रूप गोस्वामी का है, ए ऑप्शन। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है, तो दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है, ये आलोचना है, ए ऑप्शन। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है, रामवृक्ष बेनीपुर है, टीजीटी में पहले भी पूछा गया है। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, तो ये थोड़ा रिपीट हो गया क्वेश्चन, हम हरी घास पर क्षण भर इनकी नहीं है। और फ्रेंड्स ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स देखिए इस वीडियो का आपको पूरा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम पैटर्न पर है। कुछ क्वेश्चन को मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, जैसे पत्रकारिता के मैं इसमें अभी नहीं डाल पाई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं पत्रकारिता से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन बनाऊंगी, आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम के लिए आपको फायदा करेगा। देखिए टॉपिक वाइज पढ़ना अच्छी बात होती है, लेकिन जब तक हम अपने आप को जैसे एग्जाम में पैटर्न आता है वैसे हम जज नहीं कर लेते खुद को, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा हमारी कमियां, कि 100 क्वेश्चन में अगर आपका स्कोर 50 हो रहा है तो आपको पता है कि आपको 40 नंबर और आपने अपने बढ़ाने हैं, कि आप में से 100 में से आपको 89 85 तक तो आपको लेके ही आने हैं। 85 प्लस अगर आपका सब्जेक्ट में स्कोर हो जाएगा तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि कॉमन पेपर आप तैयार कर लोगे, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस बार सब्जेक्ट बहुत मैटर करने वाला है,
तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से वीडियो को आप लाइक कर दें और वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि मेरे पास भी जब अच्छे व्यूज़ आएंगे तो ही मैं टाइम निकाल के जॉब से तभी आप लोगों के लिए मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा पाऊँगी इस तरीके से। और इसका मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगी, आप अपने आप को जज कीजिए अच्छे से और आप अपनी तैयारी को एकदम लगे रहिए। सितंबर तक रुकना नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल कुछ भी सोचना नहीं है। नेगेटिव थॉट्स आए तो उनको एकदम हटा देना है, बस आपने ये सोचना कि मुझे मेहनत अच्छी करनी है, रिजल्ट चाहे जो भी हो। और ज़्यादा चीज़ों के आप चक्करों में ना पड़े, अपना बार बार रिवीजन करें, बार बार पढ़ाई करें, सही दिशा में रहें। मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि सिलेबस एकदम अपने सामने रखें, क्या क्या हो चुका है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं, सिलेबस को भी कम से कम 3 से 4 बार कवर करना है, रिवीजन करना है, ताकि आपने जो पढ़ रखा हो एग्जाम में वो कम से कम आपको गलत नहीं करना है। और ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी विशेष हैं, आप तैयारी करते रहिए, बिल्कुल अच्छे से लगे रहिए। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।